नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको देखिए प्लांट के वीडियो में बताऊंगी कुछ मेरे पास जो शुभ लकी प्लांट्स होते हैं और जो हमारे घर के वास्तु दोष को ख़त्म करते हैं। तो नंबर वन पे है तुलसा जी का। तुलसा जी भारत में लक्ष्मी जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है और जिस घर में ये पौधा होता है वह धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। हैं, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी का प्रिय पौधा होता है ये, और कृष्ण जी और विष्णु जी के का तो भोग भी अधूरा होता है अगर तुलसी का पत्ता उस भोग में ना हो तो। ठीक है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो देखिए, मैंने कई सारे गमलों में इसको लगाया हुआ है क्योंकि जिस पौधे की मैं पूजा करती हूँ, मेरा मानना है, तो मैं उसको खाती नहीं हूँ। तो कभी कभी हम चाय में डालते हैं या कुछ करते हैं, तो इस कारणवश मैंने इस 4-5 गमलों में लगा करके रखती हूँ ताकि अगर मैं तोड़ूं तो कोई इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे वास्तु दोष को ख़त्म करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। और ये आंगन में लगाते हैं वैसे तो, अगर इसको आंगन नहीं होते हैं आजकल तो उत्तर पूर्वी दिशा में इसको रखना चाहिए। नंबर दो पर है ये जेट प्लांट। ये कहते हैं लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है जेट प्लांट, और ये धन धान्य बहुत ज़्यादा होता है, और फेंग शुई के अकॉर्डिंग ये एकदम गुड लक वाला प्लांट है जो कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में रख लाता है। और ये ऑफिसेज वगैरह में मेन गेट पे, टेबल डेस्क पे और हर जगह आप इसको रख सकते हैं। वैसे ही फुल सन लविंग प्लांट होता है और ये इसका वैसे नेम क्रसुला अवाटा होता है। इसमें 2-3 वैरायटी होती हैं। ये भी बहुत शुभ प्लांट्स में से एक है, लकी प्लांट जो मनी से रिलेटेड है। कहते हैं जिसके घर में होता है काफ़ी मनी होती है, लेकिन जो प्लांट लवर होते हैं उनको तो प्लांट प्यारे होते हैं तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखते कि वो रखते ही हैं। तो ये बहुत सुंदर पौधा है, इजी टू केयर है, बहुत हार्डी भी होता है और ये भी हमारे वास्तु दोष को ख़त्म करता है। और इसको भी बहुत अच्छे से आप इसको डायरेक्शन वाइज लगाइए फुल सन में। नंबर तीन पर है अपराजिता। अपराजिता भी वास्तु दोष के ग्रह दोष को दूर करता है। इसमें बहुत सारी 2-3 वैरायटी आती हैं, 2 कलर आते हैं इसमें, ब्लू और वाइट। और इसमें सिंगल पेटल डबल पेटल का होता है, जो कि मेरा एक सिंगल पेटल है और एक डबल पेटल का प्लांट है। तो इसकी पूजा की जाती है, शिव जी और विष्णु जी को इसका पुष्प चढ़ाया जाता है सावन में, और इसकी पूजा की जाती है जिस घर में ये होता है। कहते हैं कुदृष्टि नहीं पड़ती किसी की, और ये भी बहुत शुभ और लकी प्लांट होता है। और नंबर 4 पर है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कैसी भी सिचुएशन में चलता ही है, कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, अंदर बाहर, मिट्टी में, पानी में, छोटे पॉट में, बड़े में। और ये भी बहुत ही शुभ पौधा होता है, मनी से रिलेटेड। कहते हैं जिस घर में ये होता है वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। लेकिन आजकल जैसे हम लोग हैंगिंग बास्केट में इसको टांग देते हैं, इसको नीचे की तरफ ना लटका करके इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, तभी ज़्यादा फायदा करता है। लेकिन अब तो सुंदर लगता है तो हैंगिंग बास्केट में भी लगाते ही हैं सब, मैं भी लगाती हूँ। इसमें रेड रिबन या रेड धागे से इसको बांध के रखना चाहिए, वो बहुत लकी मानते हैं उसको। तो देखिए, मैंने लगाया हुआ भी है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो कि सभी बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये भी बहुत ही शुभ पौधों में से एक है। नंबर 5 पे है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट भी इसको पानी में भी उगाते हैं, स्टिक्स में आपने देखा होगा, रेड कलर के रिबन से बंधा हुआ कांच के बाउल में आता है इसको, मिट्टी में भी। लेकिन वो जो है ना चलता नहीं है ज़्यादा, उसकी एक लाइफ होती है 6 मंथ 7 मंथ, ज़्यादा 1 साल चल जाएगा, उससे ज़्यादा तो वो पानी में चलता ही नहीं है और काफ़ी महंगा भी आता है। और इसमें भी 2-3 वैरायटी आने लगी हैं, वेरीगेटेड प्लेन, तो मेरा एक वेरीगेटेड है और एक प्लेन है जो कि मैं मिट्टी में करती हूँ, और ये 2.5-3 साल पुराने मेरे प्लांट हो चुके हैं। और जो पानी वाले थे वो तो ख़राब हो जाते थे, फिर जब जहाँ से मिलाती थी उसी ने बताया कि मैडम इसकी लाइफ होती ही नहीं है, आप कितनी भी केयर करेंगे ये हो ही जाता है। तो इसमें स्टिक के अकॉर्डिंग होता है ये। देखिए, पीस लिली का प्लांट एक मैंने अंदर भी रखा हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है, 2-3 बाहर हैं, एक ये अंदर रखा हुआ था। इस पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा था बारिश का और ये ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ रख दिया था। और ये ऐसा प्लांट है ना, पीस लिली किसी भी रूम में आप इसको रख सकते हैं,
बेडरूम में, अंदर बाहर, हर जगह फेंग शुई के अकॉर्डिंग ये गुड लक लाता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। और नंबर 7 पे है एरिका पाम। एरिका पाम भी फेंग शुई और के हिसाब से बहुत ही शुभ प्लांट होता है और ये हेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी को लाता है। मुझे तो सुंदर लगता है, मैंने तो इसीलिए रखा हुआ है, लेकिन अब पता चलता है कि ये लकी प्लांट्स में से एक माना जाता है जिसकी, और इसको लो लाइट पसंद होती है, बहुत डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल भी, इसकी लीव्स बर्न हो जाती हैं, इसलिए इसको शेडी एरिया में, सेमी शेड एरिया में रखना सही रहता है। अब आजकल तो कहते हैं रबड़ प्लांट भी लकी प्लांट है, फाइकस, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ये भी शुभ प्लांट्स में से एक होता है, और एरिका पाम भी। तो वैसे तो अभी कहने को शमी हो गया, वो मेरे पास नहीं है, वो भी लकी प्लांट होता है, केले का पौधा होता है और बहुत सारे पौधे होते हैं, बट वो मैं, मेरे घर है नहीं, और हरसिंगार भी मुझे लाना है, वो बहुत शुभ प्लांट होता है, मधुकामनी बहुत शुभ प्लांट होता है, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि ये लकी प्लांट होते हैं जो कि इंडिया में बहुत वास्तु दोष खत्म करते हैं फेंग शुई के अकॉर्डिंग। देखिए कॉइन फाइकस का प्लांट होता है, ये तो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, कितना सुंदर लग रहा है, और इस, ये है मदर प्लांट, इसकी, इसमें से मैंने कटिंग लगाई थी देखिए, और ये तो इतना अभी इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि मैंने इससे 2-3 कटिंग तैयार की हैं, 2-3 प्लांट लगाए थे, वो 2-3 ही पूरे लग गए। और इसकी भी शेप होती है पत्तों की, वो कॉइन की तरह होती है, मनी कॉइन, तो इसलिए भी इसको लकी कॉइन मानते हैं, मनी ट्री मानते हैं इसको, ये भी बहुत अच्छा पौधा माना जाता है फेंग शुई और वास्तु में। तो देखिए ये इसकी ग्रीन लीव्स होती हैं एकदम शाइनिंग वाली, बहुत ही हार्ड, छूने में बहुत चिकनी और सॉफ्ट होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, ये सुंदर लगता है, तो एक ये लकी प्लांट है।